ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आराम से। वैसे जोधा बेगम, उस दिन शहनशाह ने आपसे क्या खास मसलत की थी? शहनशाह हमें स्वर्गीय ससुर जी के कक्ष में ले गए थे। मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब के हुजरे में? जी। रुकिया बेगम, आप जानती हैं, कुछ दिनों से शहनशाह बहुत उद्विग्न है। क्यों? आपको उस पत्र के बारे में स्मरण है जो चांद बेगम के नाम से आया था? बस उसी को लेकर बहुत चिंतित है। हमें नहीं लगता कि जलाल को इतना परेशान होना चाहिए। यकायक एक मुर्दा जिंदा हो जाता है। सालों पहले गुम हुई चांद बेगम, जिनका नाम किसी को महल में याद तक नहीं, उनके खत को लेकर जलाल इतने परेशान क्यों है? हमें लगता है शहनशाह इसे सुरक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी चूक समझ रहे हैं। बस बस जोधा बेगम, हमारे बाल सवर गए। जकीरा, आप रुकिया बेगम के लिए थोड़ा सा गुलाब जल लेकर आ जाइए। और हाँ, अपने साथ शहनाज को भी ले जाइए। लगता है इस महल में किसी को हमारी अम्मी जान की परवाह नहीं, मगर ये जानकर अच्छा लगा कि जलाल उस खत की वजह से बेचैन है। मतलब उसे पता है अम्मी जान कहाँ हो सकती हैं। अब मुझे जलाल पर नजर रखनी होगी ताकि अम्मी जान तक पहुंच सकूं। अदगा साहब, हमें बताइए चांद बेगम के मसले के बारे में बात कहां तक पहुंची है? हमारे जासूस चारों ओर मुस्तैदी से फैले हुए हैं हुजूर। हमें एक बात समझ में आती है अदगा साहब की, अगर उनकी जान खतरे में है तो वो खुद जो बेगम की पालकी तक खत रखने नहीं पहुंचे होंगे। जरूर उनका कोई खैर ख्वाह है। अगर हमें उसके बारे में पता चल जाता है तो हमें चांद बेगम को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। आप बजा फरमाते हैं हुजूर। हम मंदिर के चारों ओर जो भिखारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे पूछताछ करवाते हैं। जरूर उनमें से किसी ने देखा होगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए अदगा साहब, क्योंकि हम उन्हें महफूज देखना चाहते हैं। अच्छा अदगा साहब, हम रीवा पर धावा कब बोलेंगे? हुजूर, मानसिंह और अशरफ खान के सिपे सालारी में हमारी फौज रीवा पहुंच चुकी है। राजा रामचंद्र के किले को चारों ओर से घेरा जा चुका है। इस बात पर गौर फरमाया जाए अदगा साहब कि इमरान चंद्र के साथ साथ बागी गाजी खान को जिंदा देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद सजा देंगे। इसलिए हमारे दुश्मनों को ढूंढ कर हमारे सामने पेश किया जाए और हमारे दुश्मनों का काम जल्द से जल्द तमाम किया जाए। जी हुजूर। किसका काम तमाम होने की बात चल रही है यहाँ? कहीं जलाल मेरी अम्मी जान का कत्ल तो नहीं करवाना चाहता? शायद मेरे खत की वजह से वो फिक्र में पड़ गया है और अम्मी जान को मार डालना चाहता है। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना होगा। मालूम करना होगा अम्मी जान कहाँ है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह का करम है, अल्लाह की है रहमत, सब कुछ रहे सलामत। होती रहे बरकत, खुशियों की रहे बारिश और नूर रहे कायम। ये हमारी हैं दुआएं, गम इस दर पर कभी ना आए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बख्शीवानों को यहाँ बुलाया जाए। मौलवी साहब, अभी आती ही होंगी वो।
जल्द ये सारी रस्में रुकैया बेगम के लिए भी होंगी, जैसे ही उनका पांचवा महीना लगेगा। शहंशाह तो अभी से उस दिन के लिए बहुत उत्साहित है। जरा बख्शे के चेहरे पर नूर तो देखिए। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ बुरा देखा है हमारी बच्ची ने, अब जाकर ऐसा लगता है कि उसकी खुशियों के दिन लौटे हैं। अल्लाह करे ये बच्चा बख्शी बानो की जिंदगी में खुशियों की बाहर ले आए। आमीन। सलीमा बेगम, हम रुकैया बेगम के पास जा रहे हैं, उनका भोजन का समय हो गया है। गर्भावस्था में यदि सही समय पर भोजन मिले तो बच्चा स्वस्थ रहता है। क्या सोच रही है हकीमा साहिबा? मैं बस यही सोच रही हूँ कि खुदा का करिश्मा देखो, रुकैया बेगम माँ बनने वाली है। हाँ, अब शहंशाह को जानशी जो मिलने वाला है वो हम ही थे जिन्होंने मलिका आजम से कहा था कि रुकैया बेगम कभी माँ नहीं बन सकती। और आज देखिए, कभी कभी सोचकर हैरत भी होती है, क्या वाकई रुकैया बेगम माँ बनने वाली है? आप हमारे साथ बाहर आइए हकीमा साहिबा। ग्वालियर के हकीम साहब अभी आगरा में ही है, आज हम चांद को आखिरी बार हकीम साहब को दिखाएंगे, मगर होशियारी से। जलाल ने चांद बेगम की खोज के लिए सिपाही लगा रखे हैं और उनके पास चांद बेगम की तस्वीर भी है। आज हम हकीम साहब को लेकर यहाँ आएंगे, तैयार रहना और कोई लापरवाही नहीं चाहिए हमें, समझे? जाओ। कल खाने में गरम मसाला किससे पूछकर डाला था? वो रुकैया बेगम ने। रुकैया बेगम गर्भ से है, उनका तो मन करेगा ना खाने का, हमें संभालना है। रुकैया बेगम को केवल शुद्ध और सादा भोजन देंगे आप, समझी? जी। जोधा जोधा, मुझे ये टोकरी चाहिए। परंतु आप इस टोकरी का क्या करेंगी शहनाज? इसकी मैं नाव बनाकर महल के तालाब में डालकर इसमें मैं बैठूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको शहनाज, हम आपको सचमुच की नाव दे देंगे, ठीक है? सचमुच की? पक्का? हाँ पक्का। ये भोजन किसके लिए बन रहा है? आज इन सब कैदखाने में बंद कैदियों को खाना जाएगा। मलिका आजम ने हुक्म दिया है कि रुकैया बेगम के बच्चे की नेकी के लिए कैदियों के लिए लजीज खाना दिया जाए। अम्मीजान का मन भी कितना नेक है ना, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति दया का भाव रखती है। तो ये खाना कैद खाने में जा रहा है, हो सकता है मेरी अम्मी जान भी वही हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं हकीमा साहिबा? सभी इस खबर से खुश हैं और आप कह रही हैं कि आपको हैरत हो रही है कि रुकैया बेगम माँ बनने वाली है। क्योंकि जो अर्क उन्हें दिया गया उसके बाद तो कोई औरत माँ बन ही नहीं सकती, बस इसी कारण सोच में पड़ गए। वैसे तो मुझे खुशी ही होगी कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिलने वाला है। खुदा के आगे किस हकीम का जोर चलता है, हो सकता है कुछ महीने बाद आप खुदा कर उस बच्चे की पैदाइश करें। शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और खुदा की रहमत है कि रुकैया बेगम माँ बनने वाली है, मुझे तो उस हादसे को भूल जाना चाहिए। आपने याद किया शहंशाह? हमने आपको रुकैया बेगम के बारे में कुछ बेगमों से बात करते हुए सुना, हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं जिससे हमारा दिल दुखे। माफ कीजिएगा शहंशाह, मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, ये तो खुदा का करिश्मा है कि रुकैया बेगम माँ बनने वाली हैं। मगर जिस समय रुकैया बेगम का बच्चा गिरा था उस वक्त मैं तो वही थी, और वो जो अर्क उन्हें दिया गया था। जो कहना है बेखौफ होकर कहिए। हुजूर, जो अर्क उन्हें दिया गया था वो उन तमाम हिस्सों को गला देता है जो जच्चा के लिए जरूरी हैं। बच्चेदानी गलने के बाद बच्चे के ठहरने की कोई गुंजाइश ही नहीं।
मगर मथुरा से आई बुजुर्ग हकीमा साहिबा ने भी उनके पेट से होने की तस्दीक की है। अब उनकी काबिलियत पे भी शक नहीं किया जा सकता। शहंशाह, मैंने ही मलिका आजम को कहा था, ये तो खुदा की रहमत है कि रुकैया बेगम माँ बनने वाली हैं। पर हमें अभी भी यकीन नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन है? मैं खुद सल्तनत की खैर ख्वाह हूँ शहंशाह। ठीक है, अब जा सकती है। शहंशाह, क्या है ये? ये खास अर्क है। अगर रुकैया बेगम वाकई मां बनने वाली हैं, तो इसके पीने के बाद कोई असर नहीं होगा। अगर वो पेट से नहीं हैं, तो इसके पीने के कुछ ही देर बाद उन्हें भूरे रंग की कै हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, अगर आप गलत साबित होती हैं, तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। शहंशाह, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं गलत साबित हूँ, और मुझे सजा मिलने से अगर सल्तनत को वारिस मिलता है, तो ये सौदा मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। रुकैया बेगम, उठिए। अरे जोधा बेगम, आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तक तो ठीक थी जलाल, लेकिन ये कड़वा काढ़ा पीते हुए, ये घास फूस खाते हुए ऊब गए हैं हम। हमें कबाब खाने हैं। बेशक हम आपके लिए लजीज कबाब बनवाएंगे, परंतु इससे पहले आपको एक काढ़ा पीना होगा। नहीं जोधा बेगम, हम इसे कल पियेंगे। अब पीती है या हम पिलाए आपको? हाँ जोधा बेगम, लाइए हमने ये काढ़ा पिला देते हैं। ठीक है, मगर इसके बाद आज हम दिन भर और कोई कड़वा काढ़ा नहीं पियेंगे। जोधा बेगम, हम रुकैया बेगम के साथ थोड़ी देर तनहा रहना चाहते हैं। जी अवश्य। रुकैया बेगम, लेकिन जलाल, जलाल, इसके बाद हम और नहीं पिएंगे। जानते हैं जलाल, आज हम बेहद खुश हैं। आज हमारे बिना बोले ही आप हमारे साथ रुकने के लिए तैयार हो गए। वक्त गुजर गया है, अब तक रुकैया बेगम को भूरे रंग की कह नहीं हुई। इसका मतलब हकीमा साहिबा की बात गलत थी। 13 लाख शुक्र परवरदिगार, ये सब एक झूठ नहीं। रुकैया बेगम, सच कहें रुकैया, तो अब हमें भी लगता है कि अब हमें आपके साथ और भी वक्त गुजारने की जरूरत है। अब हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, हम आपके साथ हर चीज ऐसे बांटेंगे जैसे बचपन से आज तक बांटते आए। सच? Ugh!
हे अल्लाह, माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन हमने आपसे कहा था ना कि हमें ये कड़वा काढ़ा नहीं पसंद है। देखिए ये क्या हो गया जलाल। हमें अफसोस है कि जोधा बेगम ने इतनी मेहनत से हमारे लिए ये काढ़ा बनाया, आपने इतनी मोहब्बत से हमें ये काढ़ा पिलाया, लेकिन क्या करें, ऐसे वक्त में कई बार जी मिटला जाता है। क्योंकि जो अर्क उन्हें दिया गया उसके बाद तो कोई औरत माँ बन ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप आराम फरमाए, हम वादी को अंदर भेजते हैं। जी हुजूर, गलती हो गई, हम मजबूर थे। तुम बस हमें सच बताओ, फैसला हम करेंगे बाद में, कि तुम मजबूर थी या गुनहगार हो। हमसे कहा गया था कि हम आपको ये खबर दें कि रुकैया बेगम पेट से है। हम सब कुछ तफसील से जानना चाहेंगे। हुजूर, आपकी शादी की सालगिरह के दिन रुकैया बेगम ने हमें तलब किया था। तुम्हें शहंशाह के पास जाना होगा और उनके सामने ये ऐलान करना होगा कि हम पेट से। मगर ये तो नामुमकिन है। जानते हैं, माँ बनना नामुमकिन है हमारे लिए, लेकिन हम माँ बनने वाले हैं। ये ऐलान करना तुम्हारे लिए तो नामुमकिन नहीं है ना बेगम साहिबा। ये तो झूठ हुआ ना। हाँ बेशक, तुम्हारे पास दो रास्ते। पहला रास्ता, हमारी बात मानो और हम तुम्हारी झोली हीरे जवाहरात से भर देंगे। और दूसरा रास्ता, जो तुम्हें सीधे जहन्नुम तक ले जाए। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी दगा हमसे, और तुमने भी अपने फर्ज, अपने पेशे, अपने शहंशाह से गद्दारी की। हुजूर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम रुकैया बेगम का हुक्म ना मानते तो हमारा कत्ल हो जाता। वो मल्लिकाए बेगम है, उनका हुक्म टालना हमारे बस की बात नहीं थी। हमें सजा मत दीजिए हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें सजा नहीं देंगे क्योंकि तुम मजबूर थी। अगर उनके होशरे में चाहो, हम तुमसे वहीं मिलेंगे। बेगम साहिबा, बहुत जल्द महल में जश्न होंगे, देखना शहजादे की किलकारी से गलियां गूंज उठेंगी। जुबान नहीं, हाथ चलाओ, पैर सलीके से दबाओ हमारे। बेगम साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना इजाजत के हमारे होजे में आने की तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई? हमने तुम्हें नहीं बुलाया। इन्हें आपने नहीं, हमने यहाँ बुलाया है। तख लिया। जलाल, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने इन्हें क्यों बुलाया? हमें अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल दुरुस्त हैं और ना ही उस कड़वे अर्क की जरूरत है। क्या बात है जलाल, आप कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
कुछ हुआ है क्या? हकीमा साहिबा, जो बात आपने हमें कही उसे फिर से दोहराया जाए। जी, रुकैया बेगम ने हमें आपकी शादी की सालगिरह के जश्न वाले दिन अपने पास बुलाया था और हमसे कहा था कि हम आप तक ये खबर पहुंचाएं। जलाल, हमसे गलती हो गई जलाल, हमें माफ कर दीजिए। हमारा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं था जलाल, हम सिर्फ आपके करीब आना चाहते थे, फिर से आपको पाना चाहते थे हम। जलाल, हमें माफ कर दीजिए जलाल। माफी ही गलती की दी जाती है रुकैया, गुनाह की नहीं।